आजकल ना एक और मैगी की रेसिपी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसे ट्राई भी किया है, तो मैं क्यों पीछे रहूं। मैंने भी इसे ट्राई किया और भाई साहब इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैगी को बॉईल कर लेना है और इसके पानी को स्ट्रेन करके हटा देना है। फिर हम लेंगे यहाँ पे बोनलेस चिकन पीसेस, देन इसमें जाएगा एग, दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, करी लीव्स चॉप किए हुए, मैदा और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। और फिर इस सारे को ना बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी रनी नहीं रहनी चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लेंगे यहाँ पे एक पैन, इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल और सारे जो चिकन पीसेस जो हमने मैरिनेट किए हैं उसे एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम करके हमें ना इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप सब देख सकते हो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देन उसी पैन में ऑयल थोड़ा सा हम हटा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल था ना। फिर इसमें डालेंगे चॉप किए हुए अदरक लहसुन और हरी मिर्च और इसे लो फ्लेम पर हम टॉस करते रहेंगे। तब तक हम यहाँ एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। एक कप में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, मैगी सीजनिंग पाउडर, नमक और पेरी पेरी मसाला और विनेगर और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन उसी पैन में हम इसे पोर कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर हम इसे स्टर करते रहेंगे और मसाला थोड़ा सा जैसे ही डार्क हो जाए ना इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन पीसेस जो हमने फ्राई किए थे और बॉयल्ड नूडल्स, और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करते रहना है। और हमारी यम्मीएस्ट वायरल मैगी 65 बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसे सर्व करते वक्त थोड़ा धनिया की पतली डंडी होती है ना उसे चॉप करके गार्निश कर देना। सो एंजॉय और इसे आज ही घर पे ट्राई करना और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी। Till then, ta-da!